हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं अंकिता एक बार फिर आ गई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए हमारे अपने चैनल ग्लैमर जोन में। यस, तो आज हम करेंगे कुछ नया ट्रायल, सब कुछ बहुत कुछ नया। बट यस, उसके पहले जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आज वाला व्लॉग जो पर्टिकुलर मैं एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ उसका शॉर्ट सा स्वीट सा व्लॉग है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एम्पायर लाइन कुर्तीज जो अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें 4 to 5 शेड्स अवेलेबल भी है और उसके कैटलॉग आप लोगों ने बहुत सारी बारी देखे भी होंगे। तो आज हम उसको प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, कैसे लगते हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या क्या साइजेस हैं। तो स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अभी से कर ले प्लीज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड जरूर किया करें ताकि कुछ डिटेल्स अगर आपसे मिस हो गए तो आप वहाँ पर कवर अप कर सकें। स्क्रीन को फुल स्क्रीन करके वीडियो देखें, मेरा नंबर यहाँ दिखेगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप में पिंग करके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने आज क्या पहना है ये पहले आप समझ लें। आज क्या हुआ, ये वाली पैंट्स, ये तो इनका तो मैं कई सारी ब्लॉग में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये नीटेड टॉप्स हैं, ये क्रॉप टॉप्स हमारे पास आए हुए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ये भी मैं ऐड कर दूंगी स्लाइड शो में लास्ट में। नीटेड सा स्ट्रेचेबल सा हल्का हल्का सा फैब्रिक है और ऐसे बेसिक कलर्स हैं जो आप किसी भी ट्राउजर के ऊपर सेट कर सकते हैं, स्कर्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं, हॉट पैंट के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये डाला हुआ है। ये हमने अभी तक किसी ब्लॉग में कवर किया नहीं, बट येस इफ़ यू वॉन्ट आई विल एड। ये कर दिए हैं आप स्लाइड शो में लास्ट में, ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत अफोर्डेबल यू नो टॉप है और बहुत अच्छे भी लगते हैं पहने, कहीं पे भी सेट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज एम्पायर लाइन कुर्तीज के लिए। तो इसमें ना मैंने दो कलर्स का कैटलॉग अटैच किया हुआ है, रील भी अटैच की हुई है। अभी मैं आपको एक दिखा रही हूँ क्योंकि सारी एक जैसी है, पैटर्न सेम है, तो सारे अलग अलग कलर यहाँ दिखाने का पर्पज नहीं है। तो ये रेड वाला कलर ये मुझे कल ही रिसीव हुआ है, तो मैंने इसका जस्ट अभी कैटलॉग भी किया है। इसके अलावा मैं ब्लैक कलर भी ऐड कर रही हूँ और दो और कलर्स अवेलेबल, दो या तीन कलर और अवेलेबल है, मैं सारे स्लाइड शो में ऐड कर दूंगी। एट द एंड आपको पैटर्न समझाना, फैब्रिक समझाना है। तो ये कॉटन रेयन मिक्स फैब्रिक की कुर्तीज है। ये देखिए आप, इस तरह से नेक है जो कि बहुत ज़्यादा, यही नेक एम्पायर लाइन कहलाता है। यहाँ तक का यू नो फिटिंग के बाद यहाँ से स्कर्ट वाला लुक चालू हो जाता है, मतलब कि फ्लेयर वाला लुक चालू हो जाता है। और ऊपर वाले पार्ट में बढ़िया सा प्रिंटेड सा फैब्रिक है, गोटा डिटेलिंग करी हुई है और फैब्रिक की क्वालिटी एग्जैक्ट कॉटन नहीं है, स्लाइटली रेयन इसमें मिक्स है और ये वाला तो रेयन ही है। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सा, ये भी कॉटन रेयन मिक्सड है एक्चुअली, तो बहुत अच्छा फैब्रिक है। पहन के इसका फॉल्स भी बड़े प्यारे आते हैं और नेक की आप डीप कितना डीप है आप ये देख सकते हैं, पहन के आपको दिख जाएगा। ऐसे अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप है तो नहीं, पहनने के बाद इसकी फिटिंग इतनी प्यारी है कि बहुत अमेजिंग लगता है ये वाला कुर्ता। इसके साथ आप नीचे चाहें तो स्कर्ट, नीचे चाहे तो प्लाजो, नीचे चाहे तो एंकल लेंथ वाली पैंट भी सेट कर सकते हैं और साइजेस स्मॉल से लेके 3X। देख लिए हैं, आपको समझ में आ रहा है कि वो कितना ही कंफर्टेबल फील हो रहा होगा इन कुर्तीज को वेयर करके। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है, स्टाइल का स्टाइल है, अच्छी भी लगती है, टाइट फिटेड वाला कोई लोचा ही नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, जिस फ्रंट से जिस तरह से ना इसका इस तरह से कट करके एम्पायर लाइन दिया हुआ है, सेम अगर मैं बैक की बात करूँ ना तो बैक में प्रॉपर डीप चोली स्टाइल है, तो वो ना पीछे से भी एक अच्छा सा लुक आ रहा होता है। पीछे इतना शॉर्ट ना होकर प्रॉपर इन्होंने चोली कट दिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा बैक साइड का आपका लुक भी बहुत अच्छा कर देता है। गोटा डिटेलिंग आप अगर पास से देखें तो पीछे भी नेक में है, फिर यहाँ पर एम्पायर लाइन पर और यू नो नेक पे पूरी जगह पे प्रॉपर एक पतली सी गोटा की लाइन दी हुई है और बहुत ही फिनिशिंग से काम किया हुआ है और बहुत ज़्यादा प्यारी सी कुर्ती है। और नीचे का फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ताकि आप इसको पहन के बहुत रिलैक्स फील करें। एक जो फॉल होता है ना कुर्ती का, वो एम्पायर लाइन ख़त्म होने के बाद दिखे, तो वो बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है। तो ये कुर्ती, और सबसे अच्छी बात यह है कि 3XL तक साइजेस में अवेलेबल है, मतलब कि 46 बस साइज़ तो आप आराम से जा सकते हैं। और इसके साथ जो पैंट्स मैं कई बार बता चुकी हूँ कि पैंट्स में कई तरह की वैरायटीज आए हैं, इफ़ यू वांट यू कैन पिंग मी पैंट्स के रिगार्डिंग भी, एंकल लेंथ भी मिल जाएंगी कॉटन में भी और होजरी में भी। तो यस, ये ब्लॉग हमारा सिर्फ इन कुर्तीज से रिलेटेड था। कलर्स इसके आप लास्ट में देख ले, इन टॉप्स के कलर्स जो भी हैं वो लास्ट में आप देख ले। और आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग, अगर कुछ पसंद है तो व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं।
तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा बन मेरी महबूबा मैं तेनू ताज पवा दूंगा।